सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। दिस इज अनमोल जैन फ्रॉम बुलबुल डेकोरेशन। नाउ वी आर गोइंग टू रायपुर फ्रॉम नवरंगपुर। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं भैरागुड़ा, जो भैया ड्राइव करेंगे कार उनको लेने के लिए। मेरी ड्राइविंग कंप्लीट, अब वो भैया चलाएंगे। और व्यू देखिए गाइस, क्या होने वाला है यहाँ का व्यू, बड़ा बेहतरीन व्यू है। लेट्स गो। सो गाइस, अभी हम पहुँचे हैं ईरे गांव। गांव का नाम है 8:15 टाइम हो गया है अभी। सो गाइस देखिए, पूरा ग्रीनी व्यू है। और अभी हम यहाँ पे आए हैं चाय पीने के लिए। गुड मॉर्निंग ब्रो, बिस्किट का एक छोटा पैकेट दे दो। दो ब्रो। सो गाइस, ये है चाय हमारा गरम गरम। अतुल भैया यहाँ पे रेडी हैं और ये भैया हैं। कांच ग्लास में चाय मिलता नहीं है, मुश्किल से मिलता है। नहीं गया भैया, हमारे यहाँ तो नवरंगपुर में बंद ही हो गया। कांच ग्लास में चाय पीने का मजा ही अलग है भैया। तो ये रायपुर में आ रहा है ये जगह भी, मतलब छत्तीसगढ़ है ना। तो गाइस, ये छत्तीसगढ़ की चाय है, आप पी सकते हो। ये भैया भी पी रहे हैं। सो गाइज, अब डायरेक्ट रायपुर में ही मिलेंगे। मैं तो सो रहा हूँ बैक वाली सीट पर। सो गाइज, अभी हम पहुंचे हैं पेट्रोल पंप पेट्रोल भरवाने के लिए, पर कंफ्यूज है इसमें पेट्रोल जाएगा कि डीजल जाएगा। पूछ लिया है पेट्रोल है। सो गाइज, ये देखिए, ये है ट्रैक्टर जो कि प्लांट से बनाया हुआ है। डैमेज टायर को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया गया है। ये चीज़ आपको मिलेगा धमतेरी से रायपुर जाने के रास्ते के बीच में, जो पेट्रोल पंप है वहाँ मिलेगा। सो गाइस, पेट्रोल पंप का काम कंप्लीट, अब निकल रहे हैं हम रायपुर के लिए। लेट्स गो गाइस। ये हाईवे बन रहा है रायपुर, मतलब नवरंगपुर से रायपुर जाने का रास्ता है। ये बहुत बड़ा हाईवे बन रहा है, तो ये पूरा कम्प्लीटली जब हो जाएगा तो फिर हम लोग नवरंगपुर से रायपुर 3 आवर्स में पहुंच जाएंगे। सो गाइस, फाइनली हम रायपुर पहुंच गए। ये देखो, ये व्यू होने वाला है। फाइनली 10:40 को हम पहुंच गए रायपुर, और अब यहाँ पे रुके हुए हैं नाश्ता करने के लिए दुकान पे। और ये भैया रास्ते में इडली खा रही है और सांभर है। सो गाइज, नाश्ता कंप्लीट हो गया है। अभी हम जा रहे हैं फैंसी सामान लेने के लिए। फैंसी सामान से रिलेटेड सब कुछ लेना है मेरे को। सो गाइज, इस टाइप का कस्टमाइज बैंगल मिल जाएगा, और बैंगल्स में इतनी सारी वैरायटी आने वाली है हमारे बुलबुल डेकोरेशन में, आप सोच नहीं सकते। अभी तक तो मैंने इतना सामान निकाल लिया है, देखो ये बकेट भर गया है पूरा। और इसमें क्या क्या है, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ है, और ये फाउंडेशन वगैरह जो भी बकेट में रख दे रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। इस दुकान वालों की तरफ से फ्री वाली चाय आ गई है, मैंने आधी पीने के बाद बता रहा हूँ। एक लिपस्टिक में ये ले आया है मैंने, इसमें पूरी मेरे को ये फ्री मिलेगी। और ये सब तो आप देख ही रहे हो क्या क्या निकल रहा है। ओके, और देखो कितनी सारी वैरायटीज हैं इसमें, जो कि हमारी दुकान पर आपको अवेलेबल हो सकती है। चाय तो पी ली, अब इसको डस्टबिन में डाल दिया जाए। ये डस्टबिन रखा है यहाँ पर, शायद बाहर रखा हुआ है, तो ये गया। सो गाइस, पोहा भी आ गया है दुकान की तरफ से, इसको अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर निकाल के दिखाता हूँ कैसा है ये।
ये बैंगल की पूरी वैरायटी होने वाली है मेरी दुकान पे आएगी। ये मेरा माला जो मैंने निकाला हुआ है। तो गाइस नेकलेस देखो कितनी वैरायटी है, देखिए इसके नीचे भी कितनी सारी रखी हुई है, बहुत वैरायटी है यहाँ पे। हम लोग अपना चॉइस कर करके लेकर जाते हैं, जो भी है इसमें से खुद चॉइस करते हैं और लेके जाते हैं। यहाँ पर तो हमने बहुत सारी वैरायटी निकाल ली है और निकाल भी रहे हैं। कोट सा लग रहा है सूट करने में। बिंदी में बहुत वैरायटी था, देखिए गाइस। भैया ने लाइट लगा ली, वीडियो बना रहा हूँ तो मैं। भैया ने लाइट लगा दी नहीं क्या भैया? ये मेरा व्लॉग चैनल है, इसको शूट करूंगा मैं, डालूंगा कि इस वैरायटीज में मेरी दुकान पे आने वाली है गाइस। इस देखो ये सिंगल सिंगल वैरायटीज में भी बहुत आने वाली है, आपको मिलता है ये नेक्स्ट डे। माल लेके चलेंगे हम यहाँ से, गाड़ी करके लेकर आए हैं। नेल कटर में भी देखो कई वैरायटी है, इसमें से मेरे को जो जो अच्छा लगेगा मैं उसको उठाऊंगा। कीरिंग में भी बहुत वैरायटी आने वाली है, कीरिंग में देखो इसमें से कईयों कीरिंग्स मैं उठाने वाला हूँ, जो जो मेरे को पसंद आएगा। और ये रेजर वगैरह जो भी चाहिए सब आएगा गाइस। यहाँ का काम तो कंप्लीट हो गया, जो भी कलेक्शन लेना था ले लिया, अब मैं जा रहा हूँ टॉय शॉप। लेट्स गो। हो गया नाश्ता? हो गया भैया। गाइस फाइनली हम टॉय शॉप तो पहुंच गए, वहां का काम तो कंप्लीट हो गया। ये सब वैरायटी होने वाली है दी बुलबुल डेकोरेशन में। गाइस यहाँ का काम कंप्लीट हो गया, जो भी टॉयज वगैरह लेना था मैंने ले लिया, ठीक है। अब हम जा रहे हैं दूसरी शॉप पे, तो यहाँ का ओवरऑल काम पूरा कंप्लीट हो गया। सो गाइस ये सामान मैंने दूसरी दुकान से लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ दूसरी दुकान पे, वहाँ पे जो मैंने टॉयज वगैरह लिए थे वो टॉयज वगैरह तो ट्रांसपोर्टेशन में आएगा। गाइस फिलहाल हम यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पे आईडी में समोसा है जो कि हम खा रहे हैं। सो गाइस हल्दी फंक्शन के लिए इस टाइप के नेकलेस भी मिल जाएंगे हमारी शॉप पे। और सो गाइस नेकलेस में देखो कई वैरायटी है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर देखिए कितने टाइप्स के एंकलेट्स है जो कि मैं निकलवा रहा हूँ अपनी दुकान के लिए। और ये वैरायटी सब ईयर टॉप्स है जो कि इयर रिंग्स के रिगार्डिंग है। ये देखिए गाइस फिंगर रिंग्स, देखिए इसमें कईयों डब्बे हैं, जिसमें से मेरे को अच्छा लगे वो मैं लेके जाऊंगा। ये देखो बड़े में भी है छोटे में भी है। सो गाइस अब मैं आ गया हूँ दूसरी शॉप पर, यहाँ पर होम नीड्स के रिगार्डिंग सब कुछ मिलने वाला है, टिफिन बॉटल वाटर बॉटल सब कुछ। सो गाइस कॉस्मेटिक का काम खत्म हो गया, फैंसी रिलेटेड जितना भी सामान लाना था वहाँ से सब ले लिया। टॉयज का काम पूरा कंप्लीट हो गया, होम नीड्स का जो भी सामान चाहिए था बॉटल वगैरह फ्लावर पॉट और डिनर सेट वगैरह जितना भी ऑर्डर देना था सब टोटल ऑर्डर दे दिया है। सो गाइस चलते फिरते हम आ गए ये अंकल की शॉप पे। ओके तो किसी को अगर होलसेल से रिलेटेड इस आइटम में कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो आप इनको बोल सकते हो, अदरवाइज बुलबुल डेकोरेशन विजिट कर सकते हो, मैं टोटल डिटेल बता दूंगा। अंकल भी यो बता रहे हैं। बहुत हंसमुख है अंकल जी। नहीं यार ऐसे ही है। चलो कुछ भी वैरायटी चाहिए हो तो गाइस मेरे को आप विजिट कर सकते हो बुलबुल डेकोरेशन, अदरवाइज मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, आप बात कर सकते हो। ओके सो ग्रूम का काम कंप्लीट हो गया, बर्थडे का आइटम सब ले लेता हूँ यहाँ से। गाइस चलते फिरते फिर से वही दुकान पे आ गए। यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज मिल रहा है, सब निकाल रहे हैं अभी हम फिलहाल। हेयर एक्सेसरीज रिलेटेड ईच एंड एवरी आइटम है जो कि आपको मिलने वाला है बुलबुल डेकोरेशन में। तो गाइस देखिए इस टाइप की वैरायटी मिलने वाली है दुकान पे। ओके इवन ये वाला तो है स्टॉक में, ईच एंड एवरी आइटम मिलने वाली है। ये है जूड़ा स्टिक वगैरह, इसमें कईयों वैरायटी सो गाइस ये बरामदा है छोटी में लगाने वाला। ये मैम बोल रही है।
ये बोल रही है ये बनाता है। तो गाइज यहाँ का काम तो कंप्लीट हो गया, अब थोड़ी सी भूख लग रही है, जाके कुछ खा पी लेते हैं। ओके फिर बाद में और भी मुझे जगह जाना है, जैसे गिफ्ट शॉप जाना है, बैग शॉप जाना है, वॉचेस लेनी है, गॉगल्स लेने हैं, लेट्स गो। तो गाइज अभी हम आए हैं दबेली खाने के लिए। तो गाइज दबेली रायपुर की ऐसी बनती है। गाइज ये मार्केट होने वाली है मोबाइल के रिलेटेड, जिस किसी को मोबाइल के रिलेटेड कुछ भी अगर होलसेल में खरीदना है तो आ सकते हो, विजिट कर सकते हो रवि भवन। हम तो फिलहाल सॉरी मैं तो फिलहाल अभी यहाँ पे जूस के लिए आया हूँ, जूस पीने के लिए। इवन पराठे वगैरह भी बनते हैं यहाँ पर। ये दुकान होने वाली है आंटी की, इडली सांभर आलू पराठे पनीर पराठे पराठे भी हैं। फिलहाल जूस के लिए बोला गया है, जूस बन रहा है यहाँ पे। फाइनली जूस तैयार है। चलो चलो। सो गाइस ये है स्ट्रॉबेरी जो कि हम लेने वाले हैं घर के लिए। सो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे चॉइस कर रहा हूँ मम्मी के लिए चप्पल लेने के लिए। और मार्केट देखो बहुत शानदार होने वाला है यहाँ का। सो गाइस पेट पूजा तो अब हो गया है, अब हम जा रहे हैं वॉचेस लेने के लिए एंड गॉगल्स। सो वॉचेस की वैरायटी आप देख ही सकते हो कितनी शानदार होने वाली है, एंड गॉगल्स भी हम यहीं से ले रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे गिफ्ट चॉइस करने के लिए। सो गाइस अभी फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं गिफ्ट शॉप पर। यहाँ पर फ़ोटो फ्रेम मिलता है, मूर्ति वगैरह मिलती हैं, शादी में जो गिफ्ट देते हैं वो गिफ्ट मैं लेने वाला हूँ, और चॉइस भी कर लिया है, निकलने ही वाला है माल मेरा। सो गाइस टोटल मार्केटिंग अभी कंप्लीट हो गई है हमारी, अभी हम कुछ खा पी लेते हैं। आज का व्लॉग ये जो रायपुर का व्लॉग है ये मेरा कुछ ज़्यादा ही लंबा जाने वाला है, कम से कम 15-16 मिनट होने वाला है। सो गाइस चलते फिरते हम पहुँच गए स्वीट कॉर्न की शॉप। भैया एक स्वीट कॉर्न देना। सो गाइस स्वीट कॉर्न तो हमने खा लिया है, अब हम जा रहे हैं पिज्ज़ा डोसा खाने के लिए जो कि बहुत बेहतरीन टेस्ट होने वाला है। रायपुर जब भी मैं आता हूँ वो पिज्ज़ा डोसा बिना खाए जाता नहीं हूँ। आप सभी से भी बोलना चाहूँगा जब भी आप आओ तो ज़रूर खाना, ट्राई करना। सो गाइस अब तो हम पहुँच गए यहाँ पर सिगड़ी डोसा खाने के लिए जो कि यहाँ पर बनाते हैं, कोयला से जलता है नीचे जो भी जलता है। सो गाइस 15 मिनट का प्रोसेस है, 15 मिनट में बन जाएगा डोसा, तब तक देखते हैं कैसे बना रहे हैं। तो गाइज ये है मुंबई सिगड़ी डोसा रायपुर में, जिस किसी को भी अगर खाना है यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सो गाइज पिज्जा डोसा रेडी है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो गाइज सैंडविच भी तैयार है यहाँ पर जो कि मैंने ऑर्डर दी थी, ये ट्राई करके देखते हैं। सो गाइस खाना ये होने वाला है जो कि हम एक रेस्टोरेंट से लेके आए हैं पार्सल करके, और किसी दुकान के सामने बैठ के खा रहे हैं। देखो ये भैया कैसे बैठे हैं, उस होटल के कवर को नीचे रखकर उसके ऊपर बैठकर खा रहे हैं। तो गाइस ये खाना जिस होटल से हमने ऑर्डर किया उसने माउथ फ्रेशनर दिया है, सॉल्ट दिया है, ब्लैक पेपर दिया है, और अचार दिया है, टूथपिक दिया है, और टिश्यू पेपर तक दिया है, मतलब सब कुछ अवेलेबल है इसके पार्सल में। तो गाइज आज सुबह से मैंने टोटल 15 शॉप विजिट की, 15-18 शॉप, और कुछ कुछ न्यू डिशेस खाई जो कि नवरंगपुर में शायद ही नहीं मिलती है। पिज्जा रावा डोसा खाया हमने, टॉयज में डिफरेंट वेराइटीज आए, कॉस्मेटिक्स में डिफरेंट वेराइटीज आए हैं, इमिटेशन ज्वेलरीज आई हैं, बैग रिलेटेड सब सामान आया है जो कि बुलबुल बैग हाउस में मैं बेचता हूँ। तो ऑल वेराइटी आई हुई है हमारे शॉप पर, आप विजिट कर सकते हो बुलबुल डेकोरेशन। तो गाइज होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, रायपुर का ब्लॉग। एक फ़ोन भी लिया है न्यू फ़ोन जिससे मैं ब्लॉग करूँगा, 1+80, वो मैं आपको कल अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो गाइज अभी तो हम जा रहे हैं नवरंगपुर के लिए, कल सुबह ही मैं
न्यू ब्लॉग के साथ फिर से शुरू होऊंगा। इसके साथ मैं अपना ब्लॉग करता हूँ एंड, और अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय।